अगर आप प्रीतमपुरा साइड को बिल्डर फ्लोर सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास कोहाट इंक्लेव के अंदर एक 3 BHK का बिल्डर फ्लोर अवेलेबल है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टॉप फ्लोर की तो ये जो बिल्डर फ्लोर है ये टॉप फ्लोर है विद रूफ राइट आपको मिलता है। और जो यूनिट मिलेगी वो थर्ड फ्लोर पे 3 BHK का नक्शा बना हुआ है और रूफ पे भी एक कमरा बना हुआ है, तो 4 BHK की रिक्वायरमेंट को भी ये बिल्डर फ्लोर फुलफिल करेगा। साइज इसका 188 गज है। दोनों साइड से ग्रीन फेसिंग रहेगा विद लिफ्ट और स्टिल पार्किंग एरिया के साथ ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। आप इस बिल्डर फ्लोर पे विजिट करना चाहते हैं या इसको बाय करना चाहते हैं तो हमको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बिल्डर फ्लोर का जो आस्किंग प्राइस है वो 3,85,00,000 रुपए है, जिसमें लिटिल बिट नेगोशिएशन भी अवेलेबल है जब आप इसको फाइनलाइज करते हैं। मैं आपको विजिट भी करवा देता हूँ किस तरह से ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। ये एंटर कर रहे हैं फ्लोर के अंदर। ये ड्राइंग रूम है सब। फैंस लग चुके हैं, सीलिंग है वुडन की बीच में। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट पे स्कूल है। ये स्कूल नया बना है, इसकी एंट्री बाहर से है लोकविहार से, वो गेट हो रहा। ये इसका लैंड है खाली जिसमें भी पार्क डेवलप होना है, मतलब ये पार्क बनेगा, स्कूल बन चुका है। दोबारा से ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग है, एलसीडी कैबिनेट बना हुआ है, फैंस लाइट्स सब कुछ फिटेड है। ये राइट में इसकी किचन है, अभी सफाई नहीं हुई, सारा काम हाई ग्लॉस का हुआ हुआ है, फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, माइक्रो ओटीजी, चिमनी लगनी बाकी है, विंडो है। ये लॉबी है, ये इसका कॉमन बाथरूम है, इसमें सारा टाइल वर्क नया हुआ है, अभी फिटिंग्स लगनी बाकी है इसकी, लाइट का काम होना भी बाकी है। ये पहला बेडरूम है, गेस्ट रूम है ये, इसलिए ये बेड नए बने हैं सारे, पहला बेड है ये, अलमीराज, एलसीडी कैबिनेट, फैंस फिटेड है। दूसरा बेडरूम है ये, एलसीडी कैबिनेट, बेड बन रहा है, क्विल्टिंग यही हो रही है, अभी यहां बॉर्डर में सारी पूरा पैक होगा क्विल्टिंग से सेम कलर में। ये अलमीराज है इसकी, अटैच बाथरूम है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाथरूम है, फिटिंग्स लगनी बाकी है, सामने मिरर आना है, कंसोल आएगा, वॉश बेसिन आएगा, ये पीछे वॉशिंग एरिया है इसका। और प्लस पॉइंट ये है कि पीछे कोई कोठी नहीं है, सर्विस लेन में भी इसके पार्क है, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, अच्छा सुंदर पार्क है पीछे, जिसकी एंट्री पीछे नीचे पार्किंग से भी आप बैक साइड पे जा सकते हैं पार्क में, पूरा कोहाट यही होता है। ये तीसरा बेडरूम है, मैं फ्रंट से लेके आता हूं एक बारी। ये थर्ड बेडरूम है, एलसीडी, ये मास्टर है बेडरूम, बेड तैयार हो रहे हैं, छोटा सा ड्रेसिंग है और ये पूरी वॉल टू वॉल अलमीरा है। टोटल पूरे घर में कहीं भी माइका यूज नहीं हुआ, सनमाइका नहीं यूज हुआ, टोटल हाई ग्लॉस का काम हुआ सारा, सारे पीयू के डोर्स हैं। ये तीसरा बाथरूम है, सीलिंग है इसकी, विश वगैरह सब बनी है,
ऐसा ही एक बेडरूम ऊपर है, अटैच बाथरूम है, वो अभी फिनिश नहीं हुआ, वो भी फिनिश हो रहा है, पीओपी का काम चल रहा है उसमें, अटैच उसमें बाथरूम है, ऊपर पूरा टेरेस है, एक बार दिखा देता हूँ ऊपर मेरे, फ्रंट बालकनी, सामने स्कूल, अभी दिखाया था नीचे से, मजा आएगा, पार्क बनेगा तो सामने पूरा ग्रीन दिखाई देगा, ये इसका पूरा टेरेस है, ये लिफ्ट रूम है लेफ्ट में, उसके बाद ये पीछे बेडरूम है, ये अभी जो डिस्कस किया था, प्रॉपर बेडरूम बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ हल्के में, मैं दिखाता हूँ एक बार, पहले पीछे पार्क दिखा देता हूँ मैं, पीछे पार्क है, ये सुंदर पार्क है, बैक साइड में सारे 400 गज के घर है। अब पार्क के लिए कहीं घूम के नहीं जाना, अपनी सर्विस लेन से सीधा पार्क में, लिफ्ट से नीचे उतरो सीधा पार्क में, ये इसका थर्ड बेडरूम है, सॉरी फोर्थ बेडरूम है, अभी ऊपर लाइट नहीं है, ज्यादा नजर नहीं आएगा, ये बेडरूम है, ब्रांड न्यू अटैच बाथरूम है, इसमें कंसोल वगैरह सब बना हुआ है, इसमें वैनिटी नजर नहीं आएगा, अभी गंदा है, बस चार बेडरूम है, चारों अटैच बाथरूम है,